सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार यहां पर पार्टियों में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। भाई होना क्यों ना, निकाय चुनाव है, अहम चुनाव है और इस निकाय चुनाव को कहा जा रहा है कि 2024 का सेमीफाइनल है, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र की चाबी उत्तर प्रदेश के रास्ते ही होकर जाती है। सत्ता अगर केंद्र की पानी है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही होकर जाना है, महत्वपूर्ण विषय। पर साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार संगठनात्मक बदलाव कर रही है, संगठन में फेरबदल कर रही है, जिम्मेदारियाँ बांट रही है और साथ ही साथ जो बड़े बड़े चेहरे थे उनको भी एक अलग जिम्मेदारी देकर उनको अलग व्यवस्था दी गई है, तो कुछ नए चेहरों को शामिल भी किया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय चर्चा का ये है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए अलग पद कटा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया, फिर शपथ ली, तो तमाम यहाँ पर जो व्यवस्था रही नीतीश कुमार की बड़ी दिलचस्प रही। और अब RGD के साथ सरकार बनाकर वो लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी रणनीति इस बार महागठबंधन को एक करने की है, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का उनका प्रयास चल रहा है, जिसके लिए वो लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने RGD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उसके बाद वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने मेदांता पहुंचे, वहाँ पर अखिलेश यादव पहले से मौजूद थे जो कि सपा प्रमुख हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा उन्होंने माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तो माना जा रहा है यहाँ पर 2024 को लेकर लगातार समीकरण बनाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार गठबंधन को एक कर रहे हैं या विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है कि अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, विपक्ष के चेहरे के रूप में सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल में ही जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, RGD के साथ सरकार बनाई उन्होंने, तो वहाँ पर तमाम तरह की होल्डिंग लगी हुई थी और कहा था अभी प्रदेश ने देखा है, अब देश देखेगा, प्रदेश में बदलाव, अब देश में बदलाव होगा। तो इस तरह की जो पटकथा वाली जो होल्डिंग वहाँ पर लगी हुई थी वो एक अलग संकेत देती नज़र आ रही थी। और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण विषय में एक बात और भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमा रही है, तो उत्तर प्रदेश के जो दल हैं उनके बीच में भी एक संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप की एक अलग पटकथा चल रही है। यहाँ पर एक चैनल के निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं, दोबारा डिप्टी CM बने हैं, उनको लेकर कहा था कि कमज़ोर आदमी है और भाजपा में उनकी पूछ नहीं है और अगर वो चाहें तो 100 विधायक, माना जाता 100 विधायक उनके पास है, वो लेके आ जाएँ और समाजवादी पार्टी उनको समर्थन दे देगी। हालांकि इस पर केशव प्रसाद मौर्य का अलग बयान, उन्होंने कहा अखिलेश पहले अपने विधायक बचा लें, पहले अपने जो डूबते हुए जहाज उसको बचा लें, उसके बाद हमको सलाह दें, हम अपनी पार्टी के प्रति पूरे निष्ठावान हैं। इस तरह की यहाँ पर चर्चा चल रही है जो कि लगातार एक बार स्पष्ट कर रही है कि 24 का चुनाव बहुत संवेदनशील और साथ-साथ गंभीर होने वाला है। खैर, देश में जो राजनीतिक चर्चा है, देश में जो उठापटक का दौर जारी है, देश में जो इस समय राजनीतिक सरगर्मी का जो दौर जारी है, उस पर कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट होती है कि सारी पार्टियां इस बार कुछ बेहतर तरीके से BJP का मुकाबला करने का प्रयास कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार के द्वारा लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो वहीं आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा पर विपक्ष का तंज भी रहा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा भी गया कि पहले टूटे हुए कांग्रेस को जोड़ लें, फिर भारत को जोड़ने की बात करें, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, इनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए थी। इस तरह के जो जवाब है BJP द्वारा यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो नीतीश कुमार हैं वो BJP के साथ लंबे समय तक रहे, उसके फिर अलग हो गए थे, फिर BJP से गठबंधन में आए और अब उन्होंने RJD के साथ गठबंधन बनाकर ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार जो 24 के चुनाव है उसमें उनकी भूमिका बहुत अहम है और साथ ही साथ अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर अब वो अलग अलग पार्टी के नेताओं को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से नहीं हुई, उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से अभी तक नहीं हुई,
तो यह अपने आप में प्रश्न है। हालांकि आगे वाले समय में मुलाकात होती है कि नहीं होती है वो वक्त बताएगा, पर जिस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, साथ ही साथ ओम प्रकाश चौटाला से भी उन्होंने मुलाकात की, तो बड़ा राजनीतिक दृष्टक्रम इस समय चल रहा है। और कहीं ना कहीं इस जो घटनाक्रम के चलते जो 24 का चुनाव है वो बहुत पेचीदा हो गया है। पेचीदा इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है कि विपक्ष में कौन है, और महागठबंधन की बात तो हमेशा होती है पर महागठबंधन हो नहीं पाता। और इसका ही प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि अभी जब देखा था हम लोगों ने कि देश में दो महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का, तो जहाँ पर विपक्ष की बात कही जा रही थी कि विपक्ष एकजुट है और विपक्ष यहाँ पर एकजुट होकर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाएगा, पर विपक्ष के ही कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने से स्पष्ट हो गया कहीं ना कहीं हम विपक्ष यहाँ पर महागठबंधन की बात करता है, विपक्ष की एकता की बात करता है, पर यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कहीं दूसरी है। फिलहाल महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक खान जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी में पक्ष रखेंगे, अनुराग मिश्रा आम आदमी पार्टी में पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट के रूप में हमारे साथ अंकुर सक्सेना जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भाई पवन श्रीवास्तव अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो विवेक श्रीवास्तव से रहेगा कि विवेक भाई, महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, और विषय ये है कि जो नीतीश कुमार यहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या मानते हैं, क्या घटनाक्रम है इन मुलाकातों का, क्या मायने माने जाते हैं? देखिए गौरव जी, जी नीतीश जी की दिल्ली यात्रा जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत है जी, वो बात किसी से छिपी नहीं है जी, बताना भी नहीं चाहते, छिपाना भी नहीं चाहते जी, और दिल्ली में घूम रहे हैं जी। पटना के हालात ये कि कल रात वहाँ शीतला मंदिर के पास रात में 2:10 बजे दो हत्याएं हुई जी, आधे से ज़्यादा बिहार बाढ़ से तबाह है जी, और वहाँ के मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन पे हैं जी, जो भी कह लीजिए जी, भ्रष्टाचारियों से भी मिल रहे हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वालों से भी मिल रहे हैं जी, उनसे भी मिल रहे हैं जिनके गृहबान तक ईडी और इनकम टैक्स के हाथ पहुंचने वाले हैं, आज जो शराब घोटाले में लिप्त हैं जी, उनसे भी मिल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में भी जेल से निकल के आए जी, घोटाला। अब इन लोगों के साथ मिल करके नीतीश जी कौन सी खिचड़ी पकाएंगे, कौन सा सुशासन, बाबू सुशासन देंगे देश को जी, और जनता इस बेमेल खिचड़ी पर क्यों भरोसा करेगी, और इस बेमेल खिचड़ी को किस हांडी में पकाएंगे जी। राहुल गांधी से भी मिले जी, विपक्ष की एकता के रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा कांग्रेस है जी, उनसे निपटे तो तृणमूल कांग्रेस है जी, ममता बनर्जी के तेवर नहीं किसी के साथ दे सशक्त जी, फरक्का बांध के 63 दरवाजे खोल दिए, आधा बिहार डूब गया जी, तो ये तो हाल है विपक्ष के आपस के ही जी, किंतु परंतु का जी। भारतीय जनता पार्टी को और उसकी तैयारियों को इन सब चीज़ों से असर नहीं पड़ता जी। कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह जी ने जी, हमारे केंद्रीय मंत्रियों की बैठक ली है उन लोकसभा सीटों के बाबत जहाँ पे हम हारते रहे जी, उनमें बूथों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विधानसभा स्तर पर मजबूती मिले, कैसे हम लोकसभा जीते जी, इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है जी। हम अपने केंद्र शासन के कामों पे, प्रदेश सरकार के कामों पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, नेताओं के चेहरे के साथ, नरेंद्र मोदी जी के छवि के साथ जनता के बीच जाएंगे, जनता हमें पुनः आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम पिछली बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात अखिलेश जी की, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है हमारे केशव जी को जी, केशव जी तन मन धन से भाजपाई है, उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में जी निष्कलंक मानी जाती जी, और
बेहतर होता कि ये प्रस्ताव केशव जी को देने के बजाय इसका थोड़ा सा सम्मान वो अपने चाचा अपने पिताजी को देते जी, तो कुनबा सुधर जाता। अच्छा, कुछ विपक्ष की ताकत मजबूत होती, हमसे लड़ने में बात अच्छी आ जाती, अच्छी आती जी, लेकिन अपना कुनबा सुधारने के बजाय जी वो केशव जी के लिए जिस तरह से हास्यास्पद प्रस्ताव दे रहे, ठीक ही उत्तर दिया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश जी बीच बीच में देख लेते, देखना भी चाहिए, इस तरह के सपने चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है भाई, हमारे प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक भाई मौजूद हैं। तारिक भाई, प्रस्ताव दिया, मुलाकातों का दौर जारी है, तो क्या माने पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी करनी चाहिए या फिर महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी करनी चाहिए कि इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जैसे बयानबाजी करनी चाहिए कि आप हमारे 100 विधायकों को लेके आ जाइए? तो मुझे जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम है वो समझ में नहीं आ रहा है। विवेक भाई बोल रहा है कि पहले विवेक भाई बोल रहे हैं पहले अपना कुटुंबा सुधार लें, थोड़ा बहुत सम्मान चाचा और पिताजी को दे दे तो बेहतर होगा जी। देखिए गौरव भाई, ऐसा कि जैसे जो पार्टी 24 घंटा चुनावी मोड में रहती, ये लोग यही खुद ही कहते हैं कि ये लोग 24 घंटा, हाँ बिल्कुल 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 रहते हैं जी, काम नहीं करते हैं चुनावी मोड में जी। अच्छा, बिहार में बाढ़ है, उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ ही नहीं। अच्छा, एक बूंद बाढ़ का पानी उत्तर प्रदेश में नहीं आया है जी, पहली बार। दूसरा जवाब यह है कि उत्तर प्रदेश में एक भी हत्या नहीं है गौरव भाई। अच्छा, राम राज आ गया और उत्तर प्रदेश को अब स्वर्ग प्रदेश कहते हैं। जवाब लेते प्रस्ताव लेके आए और नाम बदल, बुरा लगेगा, ये तो जवाब हो गया जी, वो ये जवाब दिलाओ। वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के जी, वरिष्ठ नेता है उनके इस बातों जी, और सच्चाई सब लोग जानते हैं कि कितनी हत्याएं होती है, क्या होती है, रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है भाई आपका, बढ़िया चैनल है आपका, टाइम वेस्ट होता है गौरव भाई जी जी। और हिस्ट्री शीटर की बात है तो अभी उपमुख्यमंत्री कानपुर का एक हिस्ट्री शीटर था, उसको स्टेज पे बैठाल के पता नहीं सम्मानित कर रहे थे या करा रहे थे। खैर, इन लोग हिस्ट्री शीटर के साथ चलते फिरते रहते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। देखिए गौरव भाई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी कि विपक्ष को विपक्ष क्या कर रहा है जी। कहीं ना कहीं नीतीश साहब की यह एक अच्छी पहल है जी कि विपक्ष एक साथ आए। अच्छा, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ जी, जो कोस्टल इंडिया है, जो नीचे का तटीय क्षेत्र जी, वहां 250 सीटें हैं, 250 जी, इधर गुजरात से शुरू करिए और बंगाल पे खत्म जी, बिल्कुल हाँ। मुश्किल इनके पास 100 सीटें हैं जी, बाकी सीटें ये हारे हुए, दूसरे लोग जीते। अगर ये जगह पे इन जो इन इन एरियाज पे जी, जो स्टेट पॉपुलेशन है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का आखिरी वोट, आखिरी चुनाव में लोकसभा के 36 कुछ वोट शेयर था, कांग्रेस तो सत्ता 40 से ज्यादा वोट लेकर बनाया करती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विपक्षी नेताओं को जी एक पहल हो रही है साथ में आने जी, नीतीश चाहते हैं कि सारे जो विपक्षी नेता हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में हो, वो साथ में आए, दिक्कत क्या है जी? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप अपना काम देखिए। विपक्ष अगर, क्या नीतीश साहब में यह काबिलियत नहीं है कि वो समूचे विपक्ष को साथ ले आए जी? अच्छा, कल ही अभी नीतीश से बढ़िया हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री था ही? अच्छा, जैसे ही उसने जैकेट उतारी बस वो गंदा हो। जब तक आप जैकेट पहने हैं तो आप साफ भी हैं। कौन सी जैकेट की बात कर रहे हैं भाई आप? ये बीजेपी की जैकेट है, ये खुद भी पहनते हैं और अपने सहयोगियों को भी जैकेट देते हैं। अच्छा, मैंने इस जैकेट का नाम रखा बीजेपी जैकेट। अच्छा, आप ईडी को नहीं दिखाई देंगे गौरव भाई? अच्छा, आप भी ये जैकेट ले सकते हैं, लेकिन आप ना लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप सबके लिए बराबर जी। और जिसको भी ये जैकेट दे देंगे वो अदृश्य हो जाएगा, फिर नहीं दिखाई देगा। अच्छा, ईडी को भी नहीं दिखाई देगा और सीबीआई को भी नहीं दिखाई देगा और तमाम तरीके की इस तरीके की जो एजेंसी है उनको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी की जो केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं उनसे जनता नहीं खुश होगी तो उनको उठा के बाहर कर देगी। लेकिन लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, अहम बात बता रहा हूँ गौरव भाई, 10 सेकंड लूंगा जी, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जी। उस डेमोक्रेसी में सांसद चुने जाते हैं, उसके बाद वो अपना नेता चुनते हैं जी। एक आदमी का चुनाव नहीं होता है, बहुत से स्टेट है
हर स्टेट के अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या होता है आने, हाँ वो क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ एकजुट हो रही है, स्वागत करते हैं, स्वागत योग कदम है, प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है। अच्छा, कौन अगर अगर इनकी सत्ता नहीं आती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, मैं नहीं मानता इसको मैटर ऑफ। समूचे विपक्ष को साथ आना चाहिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ, इनके पोलराइजेशन तो के ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है कि उनसे लड़ने के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना पड़ रहा है किसी राज्य के। भाई बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, वक्त वक्त तो होता ही है जी, वक्त तो होता ही है, तो ये स्वीकारते हैं कि मजबूत है कि दो सीट बांटे थे। गौरव भाई देखिए, वक्त से बलवान कोई नहीं है जी, बिल्कुल, वक्त ने तो इंदिरा गांधी को हारते हुए देखा जी, वक्त ने देश को आजाद होते हुए देखा जी, वक्त ने ये भी देखा कि आप दो सीट के लिए रथ लेके, दो सीट के बाद रथ लेके निकले, वक्त ने यह भी देखा कि 30-30, 40-40 पार्टियों से गठबंधन तोड़ा, वक्त ने यह भी देखा कि 14 से 18 पार्टियां मिलाकर सरकार बनाई, वक्त ने बहुत कुछ देखा गौरव भाई, ठीक है, और वक्त नहीं दिखाता है। जवाब लेंगे, जवाब लेंगे, जनार्दन सरप्रिय अगर वो दिखा रही है गौरव भाई, 10 से 1 अपार सेकंड जी, जनता अगर दिखा रही है तो हम देख रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं। चले ठीक है, ठीक है, प्रवक्ता राउट ग्रुप में अंकुर भाई जुड़े हुए, अंकुर भाई घटनाक्रम आपके सामने है, बड़ी यहाँ मुलाकातें रही और मुलाकातों के बाद एक अलग तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं, क्या मानते हैं आपके मुताबिक इन समीकरणों का क्या होने वाला है, क्या द्रौपदी मुर्मू जैसे चुनाव में फिर बिखराव देखने को मिलेगा, या इस बार वास्तव में महागठबंधन की जो यहाँ पर जो परिकल्पना रची जाती है वो पूरा हो सकेगी? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय विवेक भाई ने जो बात कही जी, उन्होंने बहुत कटाक्ष किए नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन के प्रयासों के ऊपर जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये मोनोपोली बना रखी है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ये विशेषाधिकार है कि अगर विपक्षी दल के शीर्षस्थ नेता अन्य दलों के शीर्षस्थ नेता से मुलाकात करते हैं और चुनाव के लिए कोई रणनीति को बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों होने लगती है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मतलब नहीं है तो क्यों स्टेटमेंट देने लगते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी जो गद्दी है, जो सीट है, उसको हिलती उनके पैर हिलते नजर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, आपने अपनी द्रौपदी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन को लेकर आपने बात कही, देखिए वो इलेक्शन एक अलग इलेक्शन था, उस और जो महामहिम राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन में वो दलीय बाध्यताओं से परे होता है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, वो दलीय बाध्यता से परे नहीं होता, उनमें दलगत राजनीति विशेष मायने रखती है और क्षेत्रीय दलों का उसमें विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय दल आम जनमानस की भावनाओं को उकेरने में असमर्थ रहते हैं या जिन उद्देश्यों से आम जनमानस ने उनका चुनाव किया है उन दावों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल होते हैं कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनके बड़े फलक के ऊपर अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि चाहे माननीय नीतीश जी हो, चाहे माननीय जयंत चौधरी जी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, ये लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर वो उभरते हुए सितारे हैं कि इनके बिना 2024 का इलेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास कराने के लिए निश्चित रूप से एक कटु अनुभव के रूप में रहेगा, क्योंकि विपक्षी दल के रूप में हम लोगों की जो महती भूमिका होने वाली है वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से उसी मुहाने पे पहुंचा देंगे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुआ। तो जवाब ले गए, पहले हमारे से प्रवक्ता आपके रूप में अनुराग भाई अपनी बात रखेंगे। अनुराग भाई, नीतीश कुमार दिल्ली गए, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उसके बाद मुलाकात के कई मायने, क्या मानते हैं भाई आने वाले समय में किस तरह ये गठबंधन बनने वाला है? जी यह नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सत्ता में कौन आएगा, महागठबंधन कैसे तैयार होगा जी, हमारी पार्टी का एजेंडा साफ है जी, हमारी चिंता का विषय यह है जी, कि वह भारत जी, जो सन 47 में आजाद होता है जी, जिसके पास दूध पर्याप्त मात्रा में है जी, सोने के आभूषण में हम प्रसन्न हैं जी, जो बाजरा, अदरक, केला, आम, प्याज, इन सब चीजों में नंबर वन है जी, जिसके पास चाय हुआ, गन्ना हुआ, गेहूं हुआ, आलू हुआ, चावल हुआ, मूंगफली हुई जी, तमाम
जो प्राकृतिक संसाधन है उससे भरे पड़े हैं, अन्न भंडार हमारे पास भरे पड़े हैं, हमारे पास नदियां हैं, प्राकृतिक स्थल है, सब कुछ होने के बावजूद 75 साल में हम दुनिया में नंबर वन क्यों नहीं बन पाए जी? भारत नंबर वन कैसे बनेगा जी? हमारी चिंता इस बात की है, ना हम पहले राजनीति करते थे, ना हम आज राजनीति करते हैं, ना हमको राजनीति तो मना करते थे, मुलाकात नहीं करनी नीतीश कुमार से? नहीं, मुलाकात क्यों करनी भाई? नहीं, मुलाकात तो संस्कार है तब से। मैं क्या कर रहा हूँ, भारत नंबर वन तब बनेगा जब 130 करोड़ लोग जो देश के हैं सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व बनता है जी, वो सत्ता में भले हैं जी भैया, राज्यों में हमारे यहाँ संघीय ढांचा है जी, अब संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य के बीच एक संबंध होता है जी, सरकार किसी की भी हो जी, आपको सबके साथ मिलकर के काम करना चाहिए जी, हम आपसे चीजें सीखें, आप हमसे सीखें जी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जी कि आपकी व्यस्तता ऑपरेशन लोटस चलाने में होती है। अच्छा, आपकी व्यस्तता जनता की सुनी हुई सरकारों को गिराने में होती है जी, आपकी व्यस्तता 18-18 घंटे आप केवल इसलिए काम करते हो कि किसके पास CBI और ED भेजनी है। अच्छा, आपकी व्यस्तता इसमें होती है कि जो भी भ्रष्टाचारी बेईमान हिंदुस्तान के पैसे को लूट रहा है उसको कैसे CBI और ED का डर दिखा करके हम अपने पास ले आए जी, और उससे पैसा लेकर के अपने मित्रों को फायदा पहुंचा करके कैसे हम अपने हर जनपद में 5-star होटल बनाए जी। एक तरफ आप कहते हो कि दिल्ली की सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जो है ज्यादा कमरे आपने बना दिए, ज्यादा टॉयलेट आपने कैसे बना दिया, गरीब के बच्चों को शानदार टॉयलेट क्यों बना दिया, गरीब के बच्चों को ये हक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 सितंबर से, अभी आप देखोगे 5 सितंबर को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर हो गए हैं जी, और उसी दिन से हमारी पार्टी आप आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, हमारा सेल्फी विद सरकारी स्कूल चल रहा है। अच्छा, और हम दिखा रहे हैं इनके सरकारी स्कूलों को। अरे यार, स्कूल की बात नहीं चल रही भाई, मीडिया को दिखा रहे हैं भैया, स्कूल का मुद्दा नहीं है मेरे भाई। नहीं, मुद्दा बिल्कुल नहीं है जी। मुद्दा ये स्कूल के अलावा भी हमारी पार्टी को और कुछ भी करती है वो भी बताइए भाई। नहीं, आज जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है देश को जी, तो देश नंबर वन कैसे जाएगा 2024? अरे भाई, वो ठीक है भाई, पर यहाँ पर जो मुलाकातें हो रही हैं इसके तो मायने बताइए, केजरीवाल से मुलाकात की है उसका मायना बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मुलाकात के मायने यही हैं कि हम सब महागठबंधन में शामिल होंगे। बिल्कुल नहीं, हम मुलाकात के मायने ये हैं कि भारत को नंबर वन बनाने के लिए सब लोग कैसे क्या योगदान दे सकते हैं, हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, ये मुलाकात के मायने हैं। मुलाकात का सिलसिला भारत को नंबर वन बनाने के लिए, महागठबंधन के लिए नहीं है। बहुत बढ़िया बात करने वाले भाई ने, हमारे साथ पवन श्रीवास्तव भाई बैठे हुए हैं पत्रकार के रूप में। पवन भाई, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उत्तर प्रदेश में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अलग अलग सलाह और उन पर कटाक्ष, क्या मानते हैं, क्या समीकरण यहाँ बनने वाले हैं? गौरव जी, जी ये हम और आप और हमारे बीच में जितने प्रवक्ता महोदय माननीय नेतागढ़ बैठे हैं जी, ये सब जानते हैं जी, एक प्रयास है जी, उस प्रयास पे लोग लगे हुए हैं जी, और इसी बीच जो अखिलेश जी ने जो कार्य किया है जी, करना चाहिए, सबको ऑफर मिलता, ऑफर देना चाहिए। वो टोह रहे थे जी, केशव जी को टोह रहे थे जी, और ये उन्हीं केशव जी को टोह रहे थे जिनके पिताजी के बारे में उन्होंने अपशब्द बोला जी, था। ये दुर्भाग्य है, राजनीति किस स्तर पे जा रही है जी, वो 100 विधायक ला करके उनको CM बना रहे हैं, CM उनको बनना होगा, बन जाएंगे वो जिस पार्टी से। देखिए संगठन, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संगठन चलाना सीखिए आप अपने समाजवादी पार्टी में, ठीक है, उसी प्रकार से संगठन मजबूत करिए जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को आप, ठीक है, सपा के प्रवक्ता महोदय भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप संगठन मजबूत करेंगे तो आप विकल्प के तौर पे आएंगे, समझ रहे ना? ये जो ओछी राजनीति की जा रही है जी, समझ रहे ना, इसको पब्लिक भी समझ रही है, जनता समझ रही है, ये आप खुद
हमारे बीच में प्रवक्ता जी बैठे हैं, इनको खुद मालूम है कि इनके हृदय में क्या चल रहा है, तारिक जी के हृदय में क्या चल रहा है, कि कैसे अखिलेश जी ने कह दिया, क्या कह रहे हैं, उनका कुछ पता ही नहीं कब क्या कह दें क्या ना कहें जी। इस तरह से उनको सोचना चाहिए। केशव जी को जहां तक हम समझते हैं, हम आप सभी समझते हैं, तारिक जी भी समझते हैं, अखिलेश जी भी समझते हैं कि केशव जी संगठन के रूप से आए हैं, ठीक है, और वो संगठन से आए हैं, बहुत मेहनत किया है वो, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ध्यान दीजिएगा सर, और ना ही और वन मंत्री दारा सिंह है, एक्स वाई जेड कोई भी है वो, ठीक है, वो सब मेहनत करने वाले लोग हैं और आज भी वो सफल हैं, अखिलेश यादव से ज्यादा सफल हैं जी, मेरी बात को समझिएगा जी। और इससे अखिलेश जी को कम से कम एक चीज मेहनत करना चाहिए, जो संगठन में पिछले एक महीने से भागदौड़ कर रहे हैं, सदस्यता बना रहे हैं, उस पर ध्यान दें, अपने लोगों को लगाएं जी। अभी तो हम सदस्यता की बात कर रहे हैं, तो गोंडा जनपद की बात हम करेंगे आपको, गोंडा जनपद में आपके यहाँ से माननीय जी गए थे और यादव जी, राजेश यादव जी गए हुए थे वहाँ पर सदस्यता के लिए, जो है मीटिंग्स इनकी थी, तो हम थोड़ा दूर जो है एक होटल था वहाँ पे हम जाके खड़े हो गए, ठीक है, चाय पीना था, दो तीन लोग थे, फोटोग्राफर हम लोग थे, तो वहाँ पे 10-12-15 लोग थे, तो वहाँ सदस्यता की बात हो रही थी कि नहीं, हम मन से हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी सदस्यता मत बनाइए, 2 साल रुके रही है, तो अगर ऐसे लोगों को आप सदस्य बनाएंगे संगठन में कहाँ रहेंगे वो जी। वो तो वही बनेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य बनेंगे, और जो भी बनेंगे, बीजेपी भी जबरदस्ती ले आती है ऐसे लोगों को त्वरित फायदे के लिए जी। तो वो रुक नहीं पाएंगे, जो संगठन में लग करके मेहनत करके आगे बढ़ेगा, आप उनके लिए काम करिए ना, आपके संगठन में सपा में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष पद भी ले लिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ले लिया, कुछ बाकी नहीं लगाया, शिवपाल जी को क्यों नहीं दिया आपने, संगठन में भी अगर आप करना चाह रहे हैं कुछ असलियत में कुछ करना चाह रहे हैं, और ढोंग रचाना चाह रहे हैं, केवल महागठबंधन का एक जो हवा तैयार किया जा रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आ रहा है कि ऐसी समय आ गया है कि पार्टी का कोई कर्तव्य ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, सब आ जाओ, अरे आरएलडी की विचारधारा क्या है, समाजवादी की विचारधारा क्या है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, सब आ जाओ जी, एक हो जाओ, एक को हराने के लिए आप जी, ये बीजेपी को नहीं हराया जा रहा है, ना बीजेपी से लड़ाई लड़ा जा रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि हम कमजोर हैं। अच्छा, मेरी बात को समझिएगा, आप खुद मेहनत करिए, जमीनी स्तर पे मेहनत करिए, आप आएंगे जी, आप सीट जीतेंगे जी। यही अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत थे, लेकिन हम लोग हमने तो मिलकर के हमने कहा था, हमने कहा सर कम से कम देखिएगा, वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए थे, 2 चुनाव रह गया था गौरव जी जी, दो चरण का रह गया था, और उसमें वो सर्टिफिकेट दे रहे थे, ये लीजिए सर्टिफिकेट है विधायक का, हमने कहा अरे सर अब वो हमारी बात तो सुनने वाले नहीं थे जी, वो सर्टिफिकेट सब हो गया, नहीं तो वो बढ़िया लड़ाई में थे, मेहनत किया था संगठन के लोगों ने, मेहनत किया था, इसको एहसास करना होगा, 47 सीटों पर जी बिल्कुल मेहनत किया था, लेकिन अब ये जो चल रहा है ये गलत है, इस तरह से किसी के ऊपर, अरे किसी दूसरे को ऑफर देते, जहां कुछ मिल जाता जी, जहां से कुछ मिल जाता वहां से मिल जाए, जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी लीडर है सर, लीडर ध्यान दीजिएगा, जिसको हम जानते हैं जी, आप समझौता कुछ भी कर लें, समझिएगा मेरी बात को, वो सुनने वो नहीं है कि इधर से होगा उधर से होगा, वो अपनी पार्टी से समझौता कर सकता है, सीटों का समझौता कर सकता है, विचारों का समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति है वो, जयंत चौधरी है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है गौरव जी, हम केवल इतने कहेंगे अखिलेश जी को इन सबसे हट करके आपको जमीन स्तर पे काम करना चाहिए, अगर बीजेपी को हराना चाह रहे हैं आप, महंगाई पे आप आइए सड़क पे, कहे नहीं आ रहे हैं सड़क पे, आप महंगाई मुद्दे पे नहीं आ रहे, अपने पदाधिकारियों को अपने संगठन के लोगों को आप भला नहीं कर रहे हैं जी, आप ध्यान दे रहे हैं बीजेपी पे, और बीजेपी की तरफ कौन बोल रहा है उसके प्रति आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, वे भाई अपनी बात पूरी करिए, कुछ कहना चाह रहे थे तारिक भाई की बात। देखिए गौरव जी जी, तारिक जी और अंकुर जी ने दोनों लोगों ने ये विषय उठाया जी, कि कौन किससे मिल रहा है, हाँ। बीजेपी को इससे जब दर्द नहीं तो बीजेपी इस पे कमेंट क्यों करती जी। एक शराबबंदी के प्रदेश का मुखिया जी, उस प्रदेश के मुखिया से बात कर रहा है जो शराब बेचने के लिए परेशान है जी, 10,000 जो शराब की नीति की दलदल में फंसा हुआ है, और हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी और सीबीआई उन भ्रष्टाचारियों को
छापे डालती मेरे दल में आ जाओ, तो क्या अरविंद सिसोदिया कोई भ्रष्टाचारी मान रहे हैं? इन्हीं का जरा सा वक्तव्य आप रिपीट करके देख लीजिए, इनके हिसाब से अरविंद सिसोदिया भ्रष्टाचारी है जी। फिलहाल वो तो तमाम छापे पड़ रहे हैं, सारे दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और देखिए वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पूरी कर लीजिए। यहाँ संजय सिंह की तरह नोटिस फाड़ने की जरूरत नहीं है, लीगल नोटिस, ठीक है, बात सुन लीजिए। जिस तरह जिस संवैधानिक अराजकता के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती वही ये दिखा रहे हैं। जिस तरह से वहाँ के उपराज्यपाल का लीगल नोटिस संजय सिंह ने कैमरे के सामने फाड़ा है, इस संवैधानिक रूप से बहुत ही क्या कहा जाए, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है जी, अस्त्रहीन कार्य है जी। इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी तो लीगल व्यवस्था होगी जी। फिलहाल केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते जी, ईडी सीबीआई उनके यहाँ छापा मारते नहीं थक रही है जी। चौटाला से मिलने जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए हैं जी। एक भ्रष्टाचारी की पार्टी के दम पे बिहार में सरकार बनाए हैं जी। ये कहते हैं कि साहब उन्होंने बीजेपी की जैकेट उतार दी तो कल तक सुशासन थे, आज वो खराब हो गए, बिल्कुल खराब हो गए। इसलिए खराब हो जाते हैं कि बीजेपी में एक इंटरनल सिस्टम है जो नेताओं के क्रियाकलापों पे निगाह रखता है। हमारे यहाँ हर महीने एक बैठक होती है, इसको कोऑर्डिनेशन बैठक कर लीजिए अपनी भाषा में, या हम लोगों की भाषा में संगठन की बैठक कर लीजिए, जो इन सारे विभागों की जानकारी लेती कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, और ये भी देखती कि कहीं कि इनके अंदर भ्रष्टाचार का कीड़ा तो नहीं पनप रहा है। अगर ऐसी कहीं शिकायत आती तो हमारे यहाँ से उस पर कार्रवाई होती है। हमारे झंडे के नीचे रह करके भ्रष्टाचार कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए लोग हमारा दामन छोड़ करके उन भ्रष्टाचारियों का दामन थामते हैं जहाँ खुलेआम इस तरह की हरकतें कर पाए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाणक जिस दिन से बीजेपी सत्ता से वहाँ बाहर हुई, बिहार में हत्याओं का सिलसिला जारी है, कल रात हत्या हुई है, मुख्यमंत्री दिल्ली टहल रहा है, आधा प्रदेश बाढ़ में डूबा हुआ है। मेरे मित्र तारिक ने कहा कि क्या यूपी में बाढ़ नहीं आई? यूपी में बिल्कुल बाढ़ आई, लेकिन उस बाढ़ में मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री को आपने नाव से दौरा करते भी देखा, ऐसा भी कोई नहीं, आप तैरते हुए देखे हो सकता, अच्छी बात है आप तैर रहे हो साथ में पानी में, लेकिन मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री को आपने मोर्चे पे जा करके स्थानीय स्तर पे दौरा करते हुए देखा, पूरे मीडिया सबने देखा है, लेकिन ऐसा दृश्य आप बिहार में नहीं देख पा रहे। बिहार आधा इस समय डूबा हुआ है, फरक्का बांध से 63 गेट खोल दिए गए हैं बंगाल तरफ से, और मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को, कट्टर ईमानदारों को, शराब नीति में घोटाला करने वालों को, ईडी के छापे से त्रस्त वालों को, सीबीआई से छापे से त्रस्त वालों को, ईडी के बुलाने से पीड़ित वालों को, और तो और जो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, विषय तो है कि किसी तरह से कांग्रेस जोड़ लिया जाए, परिवार को डूबने से बचाया जाए, बात तो देश जोड़ने की कर रहे हैं। 83 एसी कंटेनरों में कौन सी भारत जोड़ो यात्रा होगी तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो उनसे भी भेंट कर रहे हैं जिनके दामन पहले से भ्रष्टाचार में, और जिनके खिलाफ इमरजेंसी में जेल भी काटे हैं जी, उनसे भी जाकर के गठबंधन की बातें हो रही है। ठीक है, आप करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती, सब देख रही है। ना इस देश में अराजकतावादी स्वीकार है, ना इस तरह के भ्रष्टाचारी स्वीकार है, और ना इस तरह अपनी राजनीतिक विचारधारा के विपरीत जाकर राजनीति करने वाले स्वीकार है। हम दो थे, लेकिन हम अपनी विचारधारा पे आगे बढ़ते हुए आज दो से यहाँ तक आए। हमने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया, अगर हमने कोई गठबंधन भी किया तो हमारा लक्ष्य, हमारी विचारधारा हमारे सामने थी। हमें जब अवसर मिला हमने 370 भी हटाया, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया, ट्रिपल तलाक भी लाए, तमाम हमने जो भी हमारे एजेंडे में था हमने काम किया, और हम सारे काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमें है और आगे भी प्राप्त होगा। जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम अपना काम करेंगे, करते रहेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने, कोई फर्क नहीं पड़ने, बिल्कुल नहीं। ठीक है तारिक भाई, अपनी बात पूरी करके अनुभव की बात लेता हूँ। देखिए विचारधारा की बहुत ज्यादा बातें जी, तो महमूदा मुफ्ती की और आपकी विचारधारा क्या मिली? हाँ बिल्कुल मिली, अगर ना करते तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का रास्ता ना देख पाते, धारा 370 हटाने की स्थिति में ना आ पाते जी।
हमने वहां का रास्ता देख करके, सुन लीजिए, वहां का रास्ता देख करके जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का रास्ता बनाए और कर दिया। आजादी 70 साल में हुआ हमने करके दिखा दिया। आज उसी राज में कांग्रेस के राज परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, जिस राज में उनके नाना पास लेके जाने की व्यवस्था कर गए थे, पासपोर्ट भैया मेरा टाइम इन्हीं को दे दीजिए, वीजा लेके जाने की व्यवस्था की, मेरा टाइम उसी राज में, अपने से वरिष्ठ विवेक भाई को दे दिया है। विवेक भाई बोलिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर हमारी बदौलत, ठीक है, विवेक भाई बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत अमित शाह के गृह मंत्री रहते जा रहे हैं, इसके पहले उनकी जाने की हैसियत नहीं थी जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को, बारी बारी बोलिए, हमारे एजेंडे हमारी विचारधारा को दीजिए, हमने कहा करके दिखाया, 70 सालों से मजाक बर्दाश्त कर रहे थे, ये जम्मू मंदिर बनाएंगे, ये धारा 370 बनाएंगे, अरे हर घोषणा पत्र में लिख के लाते कुछ नहीं करते, हमने मजाक 70 साल तक बर्दाश्त किया जी, और बर्दाश्त करते 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 हमें जब मौका मिला हमने करके दिखा दिया, ठीक है, देश ने देखा हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, चलो ठीक है, ठीक है, ताकि भाई अपनी बात पूरी करिए, विवेक की बात पूरी हो गई, बोले देखिए देखिए विवेक भाई वरिष्ठ है, मेरा टाइम उनको दे दीजिए, लेकिन सुनना भी चाहिए जी। अब देखिए विचारधारा बहुत बात हुई, यही विचारधारा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जी, जनता दल के साथ इन्हीं की विचारधारा सरकार बनाई जी, विचारधारा इधर उधर होती है, लेकिन यहाँ तो सेम विचारधारा के लोग एक साथ आ रहे हैं, भाई कोई विचारधारा का, कोई विचारधारा का ऐसा नहीं हो रहा है कि तो अलग नदियां आकर मिल रही जी। और आपकी विचारधारा कैसी थी कि आपने महाराष्ट्र की पार्टी जो आपकी ही विचारधारा पे चली थी उसी को तोड़ डाला जी, आपसे पहले बाला साहेब ने वो पार्टी बनाई थी उसी को तोड़ डाला जी, और आप ही की विचारधारा पे चली जी, कैसी विचारधारा थी ये जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब लेना। दूसरी बात, दूसरी बात जवाब जी, और भाई दूसरी बात, जितने आपके समर्थक थे उन्हीं के नेता एक तब तोड़ा जब ये देखा कि ये हमारे उद्धव ठाकरे विचारधारा के विपरीत ऐसे लोगों से हाथ मिला रहे हैं, अकाली दल कितने दिन चला आपके साथ, उनका हिंदुत्व की विचारधारा से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, जब हनुमान चालीसा पढ़ने पे जेल भेजने लगे तब एकनाथ शिंदे जी ने यह कार्रवाई की, और हमने उस उनके हाथों को हाथों हाथ थामा, बिल्कुल कहते हैं जब हिंदुत्व की विचारधारा के साथ शिवसेना ने समझौता किया उद्धव ठाकरे ने, तो एकनाथ शिंदे जी ने जो कदम बढ़ाया हमने उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया जी, और आज भी कहते हैं कि जो हिंदुत्व की विचारधारा का नया भाग बन के हमारे साथ चलेगा हम उसका स्वागत करेंगे जी, ठीक है अनुर भाई, अनुर भाई अनुर भाई जी बोलिए, तारिक भाई बोलिए, बोलिए तारिक भाई बोलिए, गौरव भाई मैं ये कह रहा हूँ जी कि श्रीवास्तव जी बीच में आप रुक जाइए, थोड़ा सामने वाले को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए तब बोलिए, मैं कह रहा हूँ सब लोग बोले जी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है सबकी बातें आनी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लोग आ रहे हैं जिनकी विचारधारा सेम है, आपने तो विचारधाराओं की ऐसी बाउंड्री तोड़ी है कि किताब लिखी जा सकती है जी, और अगर थोड़ी बहुत विचारधारा करीब वाले लोग आ रहे हैं आपस में मिल रहे हैं मोहब्बत कर रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बस आप तो उल्टी धारा वालों से भी मिल गए, आप तो ही विचारधारा वाले मुस्लिम लीग से जाकर मिले थे, इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता जी, ठीक है, तो इस बात को याद रखा जाए जी, अभी जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ भाई, अनुराग भाई अपनी बात पूरी करिए, गौरव भाई पहली बात तो मैं ये कहता हूँ जी कि जब ये आरोप लगाते हैं उस समय जब मैं जवाब देने के लिए कहता हूँ तो मैं अराजकतावादी हो जाता हूँ जी, अब तारिक भाई बोल रहे हैं बीच में ये बराबर जवाब तलब कर रहे हैं जी, तो मैं ये कहूंगा कि धैर्य बना करके जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनने की भी क्षमता रखिए, बोलिए बोलिए, बिल्कुल धैर्य बनाए सुना जाएगा जी, बोलिए, तो पहली बात ये जान लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे जी, बिल्कुल पिछली बार भी कम दिया था जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी में जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है, इसको सब लोग मानते हैं जी, आज जब ये चैनल पे बैठ करके लंबे चौड़े भाषण और जुमले पढ़ते हैं तो देश की दर्शक और जनता जो देखती है उसको हंसी आती है जिस तरीके से ये बोलते हैं, एक वाजपेयी जी की सरकार थी कि एक वोट से गिर जाती है और उन्होंने कभी खरीद फरोख्त नहीं किया जी, और एक इनकी सरकार है जी कि ऑपरेशन लोटस पूरे देश में टहल करके चलाते हैं, बीजेपी की बात करते हैं मैं बता रहा हूँ, गठबंधन की भी बात कर रहा हूँ, विचारधारा की भी बात कर रहा हूँ, विचारधारा की बात करते हैं, आईएसआई के को बुला करके हिंदुस्तान में पहली बार पठानकोट में जांच कराने का काम कौन करता है, पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने का काम कौन करता है,
और इनके अपने जो जिनका लेकर के रात दिन ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं, इनके जो आदर्श हैं वो फजूल हक की सरकार में उस समय सत्ता में थे जब पाकिस्तान का पहला प्रस्ताव जब पास किया जा रहा था, वहां पर जो है ये मंत्रालय में बैठे हुए थे जी। और उस प्रस्ताव को पास किया था पाकिस्तान को अलग करने का जी। ये क्या बात करेंगे विचारधारा की। दूसरी चीज, हम करें तो चमत्कार, दूसरा करें तो करेक्टर ढीला, ये तो इनका सिद्धांत है जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सीबीआई और ईडी का बात कर रहे हैं, इनको संविधान की बड़ी चिंता है जी। इनको कानून की बड़ी चिंता है जी। आज लगातार चैनलों पर दिखाया जा रहा व्यापक घोटाला के बाद जो घोटाला अभी शिवराज सिंह चौहान ने किया हुआ है 110 करोड़ का, उस पर क्या सीबीआई और ईडी इनकी जाएगी। ड्राई स्टेट गुजरात बोला जाता, 100 लोगों की मौत हो गई और गुजरात में इनकी सरकार है। शर्म आनी चाहिए कि मौत होने के बावजूद क्या वहां ये गए जी। केवल राजनीति करना है, केवल अपनी बात बोलना है, झूठ का एजेंडा चलाना है। मुझे हंसी आती है कि 18 राज्यों में जिसकी सरकार हो, जो केंद्र में हो, वो इतना हल्का कैसे हो सकता है कि वो रोज तो आप भेज रहे हो भाई सीबीआई और ईडी, एक ढेला आपने नहीं पाया जी। और उसके बाद आपको शर्म नहीं लगती कि आप चैनल पे बैठ करके डर गए कल जाने वाले हैं, परसों जाने वाले हैं। अभी कोर्ट ने परसों लताड़ लगाई है सत्येन जैन के मामले में जी। कि तुम रोज रोज डेट ले रहे हो कानूनी दांव पेच में जी। कोई आधार सबूत ले आए, कोई चीज है तुम्हारे पास। तो इनको केवल लोगों को तंग करना है जी। और देश नंबर वन न बने उसमें कितने रोड़े डाले जाएं जी। तो वो रोड़े और नकारात्मक राजनीति आज इनके 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 ट्विटर हैंडल पे जाइए, देखिए ये कार्टून चलाते हैं, झूठे चीज देते हैं, क्योंकि तथ्य है ही नहीं इनके पास। तो ऐसे राजनीति करेंगे बहुत अच्छा है, आपकी राजनीति आपको मुबारक हो। और आप, मैं तो कहता हूँ, एक सब करते रहिए और जितना आप ये करेंगे उतना आप गर्त में जाएंगे। घबराइए नहीं, आपकी नींदों में तो रात में तो आते ही है केजरीवाल जी, दिन में भी आपके केजरीवाल आते हैं। अरे भाई, किसकी नींदों में आते केजरीवाल? मोदी जी के नींदों में आते, सपनों में आते भी आ रहे, दिन रात उनको केवल एक चीज चलता, 18 घंटे केवल काम कर रहे हैं। केजरीवाल को कैसे रोको? चलिए रोक लो, भाई बताएंगे। अभी गुजरात में जमीन खिसक रही है, चिंता ना करो। चलिए ठीक है भैया, हमारे अंकुर भाई जुड़े हुए। अंकुर भाई, अपनी बात पूरी करिए, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे जी, बोलिए। धन्यवाद भैया ध्यान देने के लिए इधर राजकीय। नहीं नहीं जी, थोड़े से चर्चा अलग हो रही है, बताइए। ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार जिस विचारधारा की बात करते हैं जी, तो हिंदुत्व की विचारधारा, हम सब लोग हिंदुत्व की विचारधारा के, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन हम लोग उस विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा हमेशा सनातन विचारधारा रही है। हम लोगों की विचारधारा सर्वधर्म संभाव की रही है और भाई को भाई से प्रेम करना सिखाती है, भाई को भाई से विद्वेष करना नहीं सिखाती है। दूसरी बात, अगर आप हिंदुत्व की विचारधारा को इस रूप में देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक वर्ग विशेष, जिसको आप लोग मुस्लिम वर्ग विशेष कहते हैं, उससे हम लोग दूरी बनाकर कोई काम करें, तो आपको इस बात को भी एहसास करना चाहिए। आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती के साथ हम मिले तो अनुच्छेद 370 आप धारा बोल रहे हैं, वो अनुच्छेद 370 को हमने खत्म करना था, इसलिए हमने उनसे हाथ मिलाया। अगर उनसे हाथ मिलाने का उद्देश्य अनुच्छेद 370 को खत्म करना था, तो फिर आप ये बताइए कि अभी कल ही परसों में फोटो लगातार वायरल हो रही है, जनरल बाजवा के लड़के के साथ भारत के गृह मंत्री का लड़का जयशाह क्या कर रहा है, उसके साथ में कौन सा आपको पाकिस्तान पता करना है। इसके अलावा जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री वहां पर पाकिस्तान में बिना बुलाए चले जाते हैं और वहां पे जाके बिरयानी खाते हैं, तो उस समय कौन सी देश की विचारधारा को आप प्रतिनिधित्व करने गए थे? इसके अलावा आप सऊदी अरब के प्रिंस के साथ क्यों बैठे थे? तो इस तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि आप भाई को भाई से लड़ाएं और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेंके। हिंदुत्व की विचारधारा हमेशा सर्वधर्म संभाव का प्रतिनिधित्व करती है और हम लोग ऐसी विचारधारा को मानते हैं जिसमें सारे लोगों का, सारे वर्गों का सम्मान है। अब आइए, आप उत्तर प्रदेश में आपने कहा और नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आप डंका महसूस बजा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का वही संगठन है जिसकी पिछली गवर्नमेंट में 135 भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधान सदन में खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
बैठे थे धरने पर कि उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। और अभी पिछली आप पार्ट वन को ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 0.2, मैं 0.2 इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप जीरो हैं, पर पंतु भाग ने आपको सत्ता सुख दिया है तो इस समय आप सत्तारूढ़ हैं। 0.2 के कार्यकाल के शुरुआती कार्यकाल में आप क्या, आप ही के राज्य मंत्री हैं सोनकर साहब, एक बार एसपी ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने अपनी टिकट वापस कर दी, दूसरी बार तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। ये कौन से आप संगठन और सत्ता की बात करते? और बात अगर आप सत्ता पे अपने कमांड की करते हैं, आप उचित शासन और व्यवस्था की करते हैं, तो मणिलाल पाटीदार कहाँ है भाई साहब? विवेक भाई से जानिए कि मणिलाल पाटीदार कहाँ है? गोरखपुर में जिसके ऊपर अटैक किया गया, व्यापारी को, मनीष गुप्ता को मारा गया, उसके कातिल कहाँ है? आप अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक के डिपार्टमेंट में जो चुनाव जो मेडिकल डिपार्टमेंट में गलत ट्रांसफर हुए, खुद माननीय उप मुख्यमंत्री की सहमति और जानकारी के बिना हो गए, कितने अधिकारियों के ऊपर आपके द्वारा कार्रवाई की गई? हाल ही में मेडिकल में एक्सपायरी दवाइयों का मामला आया था, जो बिना बटे दवाइयां थी, लाखों करोड़ रुपए वो चले गए। पिछली सरकार में श्रीकांत शर्मा जिस समय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उस समय गोंडा बहराई की बेल्ट में लगभग हजारों करोड़ रुपए का बिजली डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ था, कितने अधिकारियों और कितने मंत्रियों के ऊपर आपके द्वारा कार्रवाई की गई? देखिए आपकी कथनी और करनी में जो फर्क है, आपको तो सिर्फ ये दिखावा करना है कि हमारी पिछली सरकारों ने किया। आप ये बताइए आज की डेट में आपने कितने ब्यूरोक्रेसी के, मणिलाल पाटीदार जैसे अधिकारियों के विरुद्ध कितनी आपने कार्रवाई कर ली? और उत्तर प्रदेश को आप अपराध प्रदेश बना चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बिल्कुल विफल हो चुका है। आप संगठन की बात करते हैं, आप भ्रमित जनता को नहीं कर रहे हैं, जनता आपको समझ चुकी है, आप भ्रमित अपने उन कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं को आपने कह रखा है कि आज की डेट में आपको भारतीय जनता पार्टी उस स्वरूप में आ चुकी है जो अजर अमर है, लेकिन आपको वास्तविकता का भान नहीं है। आज की डेट में आपकी नींव ढह चुकी है और आपका जो वृक्ष है 2024 में कहीं ना कहीं जलमग्न होने वाला। ठीक है पवन भाई, अपनी बात रखिए, उसके बाद विवेक भाई की बात लेता हूँ। सबकी बातें सुनी आपने जी गौरव जी। जी ठीक है, राघव जी ने बहुत सारी बातें कही जी, प्रवक्ता जी ने, अंकुर जी ने जी, सभी पार्टियों की बात है, हम देख रहे थे, सुन रहे थे जी। पाकिस्तान फतह की बात भी हो रही है, तो ये तो भाजपा वाले हैं, तो भी कहेंगे फतह करने चल रहे हैं, ये तो भाजपा वाले हैं, मेरी बात को समझिएगा, ये तो ढूंढते रहते हैं, ये ढूंढते रहते हैं कोई कोई दे दे तो उसको हम आगे जिसका हम इस्तेमाल करें, समझिएगा सर। और अंकुर जी, संगठन तो आपका बहुत पुराना है, पार्टी पुरानी है, लेकिन आप संगठन में कितने मजबूत हैं ये आपको खुद मालूम है जी। ठीक है, बीजेपी संगठन की बात करेंगे आप, अगर सभी जितने हैं, जितने भी प्रवक्ता महोदय हमारे, जितने विपक्षी दल के नेतागण हैं, वो अगर बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज प्लस पॉइंट है कि बीजेपी का संगठन भी मजबूत है, बीजेपी की पार्टी भी मजबूत है, बीजेपी की लोग भी मजबूत हैं, इसको एक्सेप्ट करना होगा, अगर नहीं कर रहे हैं अलग बात है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ईमानदारी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल ईमानदार अगर है तो केजरीवाल जी का नाम लिया जाएगा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के यहाँ आपने सब कुछ करा लिया है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं विवेक जी ने सब कुछ करा लिया, अब वो बीजेपी ने कराया, हम नहीं कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए, अगर बीजेपी ने कराया मिला तो कुछ नहीं, समझिएगा मेरी बात, मिला कुछ नहीं तो आरोप लगाना, परेशान करना, ये अलग चीज हो गई। ठीक है, और अगर जो सच होगा जी, जो हाँ बिल्कुल सामने आया, सिसोदिया के पास कुछ नहीं मिला जी, ठीक है, आरोप आप कुछ भी लगाते रहिए, लेकिन अगर बीजेपी की बात, जिसे भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इनके यहाँ तो जो है जो भी आता है कोट पहन लेता, पता नहीं कौन सा कोट है, जैकेट है, वो जैकेट की भाई यहाँ मार्केट में नई जैकेट बनवाई हुई है, तो उस जैकेट की बात पे हम कहें कि हमने पिछली सरकार में ही हमने देखा है बीजेपी की कई सारे नेतागण विधायक जी के ऊपर कार्रवाई हुई है, समझिएगा मेरी बात को आप, कई सारे पे कार्रवाई बीजेपी के विधायक रहते हुए ही कार्रवाई हुई है, बहुत सारे हमने प्रमुखों को देखा है जिनके ऊपर कार्रवाई बीजेपी के नेताओं को देखा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका सरकार चलाने का जो रंग ढंग है बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल कहिएगा अंकुर जी, आप 100% कहेंगे आपकी जो भी है, लेकिन एक चीज सच्चाई मानिएगा कि आप मेहनत करिए, आप ये जो खिचड़ी पका रहे हैं, गठबंधन महागठबंधन बनेगा ये भी निश्चित है जी, कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगा ये भी निश्चित है, अब ये सोच लीजिए कि हम रालोद के तरफ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार जी बन जाएंगे, आरजेडी के बन जाएंगे, लालू यादव जी बन जाएंगे, समझिएगा अखिलेश यादव जी बन जाएंगे, ठीक है, ये सारे चेहरे होंगे, और आखिरी में बीजेपी वाले ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक
तिनका फेंक देंगे, वो सब आपस में लड़ जाएंगे, समझिएगा सर, लड़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बेनिफिट्स जो होना है, जितने वोट बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग बढ़ जाएंगे। अभी जितने भी हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे, इनको जनता के ऊपर से विश्वास उठ गया है, अच्छा समझिएगा, अगर जनता के ऊपर इनको विश्वास होता तो ये जनता के बीच जाते, ये यहाँ गेमिंग पावर नहीं होती। जो गेमिंग पावर हो रही है, महागठबंधन क्या है, ये गेमिंग है। जनता से चुनने का आपको अधिकार दिया है संविधान ने, आप जनता के पास जाइए, जनता से उठ लीजिए, आप जीत करके आइए, आप एक महागठबंधन इनके साथ आएंगे, उनके विचार नहीं मिल रहा है। देखिए विचार मिलना किसी अच्छे कार्य के लिए, अगर जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा भाई मुफ्ती जी से उन्होंने किया गठबंधन किया समय समय का था, मायावती जी से भी किया था, भाजपा वालों ने किया था भाई, याद होगा 6-6 महीने वाला हुआ था। देखिए वहां मायावती सफल हुई, सफल हुई मायावती, उसका जो प्लानिंग था वो सफल हुआ, सफल हुआ। यहाँ पे इनका बीजेपी का सफल हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसे विचारों पे अगर काम करेंगे तो ये विचार समझौता नहीं हुआ, लेकिन जिसका अलग अलग है, विचारे अलग है, अलग पार्टी चलाने का मकसद है, अलग लोगों के लिए कार्य करना मकसद है, वो एक आएंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। भाई अपनी बात पूरी करिए, इसका जल्दी कम शब्दों में जो अनुराग जी ने कहा, जो हमारे अंकुर जी ने कहा, तारिक भाई ने कहा, मैं थोड़े थोड़े सबके जवाब दे देता हूँ जल्दी। हमारे अंकुर जी, और तारिक जी, की जो बेचैनी है और जो आम आदमी पार्टी की बेचैनी है, सबको भ्रष्टाचार करने की छूट चाहिए, सबके दरवाजे पीईडी सीबीआई दस्तक दे रही है, सबको परेशानी है। सत्येंद्र जैन अपनी याददाश्त भूल गए, कहते कोविड काल में हमारी याददाश्त चली गई, बेल नहीं मिल रही, जेल मिल गई है, कागज तो उनके यहाँ से कुछ नहीं मिला था, कागज सिसोदिया जी के यहाँ से भी कुछ नहीं मिला है, तमाम और क्षेत्र में छापेमारी चल रही है, मिल भी जाएगा कुछ ना कुछ। विषय ये है कि अगर कर नहीं तो डर काहे का, अगर मणिलाल पाटीदार कब मिलेंगे, हाँ ये बात आपकी सही, मणिलाल पाटीदार कब मिलेंगे भाई, बिल्कुल 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 आपकी वो भी बात सही है कि मणिलाल पाटीदार नहीं मिल रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए और उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं अंकुर जी की बात से सहमत, ठीक है, फिलहाल जैसा अभी पवन जी ने कहा कि जिस तरह का गठबंधन में लोग जनमत तलाश रहे हैं, ये वास्तव में ये इशारा करता कि इनका लोगों का विश्वास जनता में नहीं है और ये लोग जनता से इतर सत्ता की चाबी ढूंढ रहे हैं जो कि संभव नहीं है। हम जनता के बीच जाकर के सत्ता की चाबी ढूंढते हैं, हमें मिल जाती है, इन्हें नहीं मिलती, ये गठबंधन में चाबी तलाशते हैं, ठीक है। ये अभी जा करके वहां पहुंच जाएंगे जहां आटा लीटर में बिकता है, तो अब इनको कहां से मिल पाएगा आटा लीटर में। महंगाई पे ध्यान दीजिए, महंगाई पे आटा लीटर। गौरव भाई एक बात छोटी से कहना चाहता हूँ, देखिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये जनता के बीच चाबी तलाशते हैं या ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में चाबी तलाशते हैं, तभी आप देखिए महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री था उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया, दो दो प्रदेशों में, महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को जनमत मिला था, अंकुर जी उद्धव ठाकरे ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा था, एकनाथ शिंदे ने हमें उसका हिसाब बराबर करने का मौका दिया, आपने वो बराबर किया, ठीक है, जनमत महाराष्ट्र जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, संगठन के लोगों को स्थापित किया था महाराष्ट्र की जनता ने, हमने उस धोखे का जवाब उद्धव ठाकरे को दे दिया, ठीक है, उद्धव ठाकरे जहाँ है उनको वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, ठीक है, उपास उड़ाना है आपको तो 2024 में जनता बहुत तेज पटक नहीं देगी। चले ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक यात्रा है वो कहाँ तक महागठबंधन को मजबूत करेंगी और आने वाले समय में गठबंधन का नेता कौन बनेगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने अपने को यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो कि लगातार चर्चा में आ रही है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है जिसके लिए अब सारी पार्टियों को एक होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो धरातली राजनीति है उस पर पीछे होकर यहाँ पर जो समीकरण की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश का पूरे देश में मनाई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, राजनीतिक सरगर्मी जारी है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जनता के लिए कोई भी सड़क पर उतरना नहीं चाहता, यात्राएं रहेंगी, बाढ़ आएंगी, हत्याएं होंगी, कानून व्यवस्था कमजोर रहेगी, पर जनता के मुद्दों के लिए
बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए कोई भी पार्टी यहाँ पर समीकरण बनाती नजर नहीं आएगी। कोई भी पार्टी एकजुट होकर या चुनाव की रणनीति बनाती नजर आती है, पर यहाँ पर विपक्षी दल जो अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं वो एक साथ होकर यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर या बेरोजगारी के मुद्दे पर समीकरण बनाते नजर नहीं आते। और निश्चित रूप से जब विपक्ष इन मुद्दों पर अपना समीकरण बनाएगा और एकजुट होगा तभी हमारे देश की जो विकास की परिकल्पना वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि सत्ता को भी हिसाब से आगाह करना बहुत आवश्यक है। अगर सत्ता का यहाँ पर लाभ देश को मिलता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मौजूदगी भी बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।